वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना गाइस, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं जो कि आपको थोड़ा चौंका देगी और आप कहोगे ये क्या हो गया, लेकिन जो होना था वो तो हो ही गया। खैर, वीडियो स्किप मत कर देना, लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। साथियों, अब खबर पर आता हूं। खबर ये है कि अहमदाबाद में तैयार हुए दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कर दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर मोटेरा स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। जी हाँ, सही सुना, यही तो खास बात है आज की खबर की। उद्घाटन समारोह के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री किरण रिजिजू और राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहे थे। हम आपको बता दें कि इसी मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। अहमदाबाद में बना यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है ही, जहां लगभग 1.25 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। इस स्टेडियम का रेवेन्यू मॉडल भी ऐसा बनाया गया है कि इसके रखरखाव में मुश्किल ना हो और ये मुनाफा भी दे सके। साथियों, अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी ने बतौर गुजरात सीएम इसका सपना देखा था जो अब पूरा हुआ। नए स्टेडियम को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हाईटेक स्टेडियम के तौर पर बनाया गया। अमित शाह ने आगे यह भी कहा कि अहमदाबाद स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाएगा। राष्ट्रपति ने मौके पर स्टेडियम में खेल परिसर के निर्माण कार्य की शुरुआत के समारोह में भी भाग लिया था। इसका नाम सरदार पटेल खेल परिसर होगा और इसमें फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, मुक्केबाजी जैसे खेलों की फैसिलिटीज़ होंगी। करीब 63 एकड़ से अधिक परिसर में फैले इस स्टेडियम की ऑडियंस की क्षमता 1,32,000 है और इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसकी दर्शक क्षमता या यूं कहें ऑडियंस के बैठने की क्षमता लगभग 60,000 से 80,000 है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा जारी सूचना में कहा गया यह ओलंपिक आकार के 32 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। साथियों, मोटेरा की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। इस मैदान पर भारत के महान सुनील गावस्कर ने टेस्ट में 10,000 रन भी पूरे किए थे। इसके अलावा मोटेरा की पिच पर 1987, 1996 और 2011 के ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच भी खेले जा चुके हैं। लेकिन खास बात यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। साथियों, नरेंद्र मोदी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा गया है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड।